अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू डिज़ाइन शेयर करना चाहती हूँ, जिसको स्टार नेक भी बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम ली है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 4 इंच है और लंबाई जो है मैंने 7.5 ली है। एक्स्ट्रा हर चीज़ का मार्जिन रख कर मैंने ये लिया है, ठीक है। आपने सिर्फ 7 इंच जो है लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ चौड़ाई का। आप चाहें तो खुला भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो वी नेक है वो थोड़ा तंग होता है, तो इस वजह से उसको थोड़ा ज़्यादा भी लिया जाता है, यानी कि 3.5-4 तक भी लिया जाता है। तो लंबाई मैंने 4 इंच ली है। तो मैं ये जिसका गला बना रही हूँ, तो फिर वो छोटा पहनना पसंद करते हैं, इस वजह से मैंने इसका छोटा ही रखा है, 3 इंच ही मैंने रखा है। यहाँ पर मैं बॉक्स बना लूँगी। ये नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको पेन के साथ ड्रा करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका बॉक्स बना के, तो फिर मैं यहाँ पे नेक ड्रा करूँगी। तो मैंने पेन के साथ इसको ड्रा कर दिया ताकि आपको नज़र आए अच्छे तरीके से। तो यहाँ से मैं पहले वी की शेप दे दूँगी। ऐसे मैंने पहले वी की शेप दे दी है इस तरीके से। अब यहाँ से पहले ये ऊपर से लेकर मैं तकरीबन यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाती हूँ। 4 इंच पे निशान लगा के मैं इस लाइन को सीधा कर लूँगी। 4 इंच तक तकरीबन हमारा ऊपर गला जो है 3.5 तैयार आएगा, और मैंने ऊपर से जो है 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 3.5 तैयार आएगा। तो यहाँ से मैं इसका तिकोन बना लेती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 1 इंच का पॉइंट रखा। तीनों तिकोन जो है मैंने 1-1 इंच के रखे हैं, यानी कि ये देखें, यहाँ से मैंने 4 इंच लिया, फिर मैंने इसको सीधा कर लिया लाइन को, फिर यहाँ से मैंने 1 इंच इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया, और इसको मैंने तिकोन करके इसको ड्रा कर दिया। तो अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे जो है 1 इंच का जो एक्स्ट्रा रखेंगे हम काटने के लिए, वो हम निशान लगा लेते हैं, और उसके बाद मैं इसको कट कर दूँगी। जैसे मैं निशान लगा के इसको पहले मैं गला कट कर लेती हूँ। यहाँ से आपने बिल्कुल बराबर करके आपने कट करना है, ताकि आगे पीछे ना हो आपका नेक। सिंपल सा नेक डिज़ाइन है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है बनाने के बाद। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने कपड़ों पे। वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें और आप अपने कपड़ों पर ये डिज़ाइन ट्राई कर सकें। या आप अपने टेलर को दे कर ये डिज़ाइन बनवा सकते हैं, या अगर ख़ुद आप स्टिच करती हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, आप अपने हाथों से इसको स्टिच करें। और ये मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया, और अब हम इसके ऊपर दरमियान में मैंने इसी के साथ निशान लगा लिया, कमीज़ के ऊपर भी लगा लिया, और अब मैं बिल्कुल इसको सेंटर पर रख कर इसको स्टिच करूँगी। तो मैं सिंपल जो नेक डिज़ाइन है और जो दूसरे, मैं दोनों आपके साथ ट्राई करती हूँ। बहुत ही आसान होता है स्टिच करने में, तो आप ज़रूर ट्राई किया करें। ख़ुद भी अगर आप ट्राई करें, मैं एक एक मेथड, मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ, ताकि आप इजीली घर बैठे अपने कपड़े सिलाई कर सकें। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर एक मेथड को आपको आसानी से और आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूं। तो कोशिश तो मेरी यही होती है, लेकिन ये बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती है, जो डिज़ाइन आप बनवाना चाहती हैं, तो मैं ज़रूर आपके लिए वो ट्राई करूँगी। तो मेरा न्यू चैनल है, तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो मैंने ये गले को स्टिच कर लिया। अब मैं यहाँ पे जो है कट लगा रही हूँ, यानी कि इसको अंदर की तरफ से कटिंग करके मैं इसको कट लगा दूँगी, और फिर मैं अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके पहले प्रेस कर लें। अगर प्रेस नहीं करना चाहते तो आप सिलाई लगा लें।
पहले सिलाई लगा के फिर जो है तुरपाई कर लें, तुरपाई करने के बाद उसको सिलाई को निकाल दें, तो वो फिनिशिंग के साथ आपका जो नेक है वो रेडी हो जाता है। बहुत ही आसान और बहुत जल्दी से हमारा जो ये नेक था वो बनकर रेडी हुआ है, इतना टाइम भी इस पर नहीं लगा। तो मैं यहाँ के पे इसके नोक जो हैं वो मैं अच्छे तरीके से बाहर की तरफ निकाल लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से ये फिनिशिंग के साथ आए। तो मैं इसके किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये गला जो है वो सही तरीके से बैठ जाए। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाने से वो नज़र नहीं आती, इतनी ज़्यादा शो नहीं होती है, और जो बाकी का गला है वो आप बाद में तुरपाई कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया है और बहुत प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलाई करके भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। इसको मैं बैग के साथ भी ज्वाइन करके तो मैं आपको इसकी फुल लुक जो है वो दिखाती हूँ। तो ये जो हमारा नेक है ये हमारा रेडी हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, स्टार नेक इसको बोलते हैं। तो इसको अब मैं बैग के साथ ज्वाइन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसको बैग के साथ भी ज्वाइन कर लिया और बैग का गला भी बना दिया। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सिंपल सा नेक हमारा रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बैन आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और इसी तरीके से मैं आपके साथ नए नए जो डिज़ाइन है वो शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।